हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो 2024 का ये आदित्यपुर का दुर्गा पूजा पंडाल है। तो सबसे पहले आपको हम आदित्यपुर एस टाइप का जो दुर्गा पूजा पंडाल है वो उसी का हम दर्शन कराएंगे और माता रानी का भी हम दर्शन कराएंगे। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो अशोक स्तंभ है ये एंट्री गेट में लगा हुआ है इस टाइप में, और यहाँ पर लाइन में लगना होगा। इस साल यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल बनाई गई है। तो इतना कॉस्ट कितना होता हमको भी पता नहीं, तो फिर भी ऐसे हम लोग घूमने आए हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड के हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जो लोग यहाँ देखने के लिए नहीं आ पाए हैं भीड़ भाड़ में, तो इस वीडियो के जरिए उन लोगों को आनंद मिले। तो दोस्तों, हम लोग अंदर जाने वाले हैं और अंदर का नज़ारा भी देखेंगे और माता रानी का भी दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं, और फिलहाल हम लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ का टाइम में नहीं आए हैं। देखा जाए तो अभी इतना भीड़ भाड़ है नहीं, और मेरे ख्याल से करीब आठ से दस बजे तक बहुत भीड़ भाड़ था होगा, और अभी हम लोग आए तो थोड़ा सा लगभग खाली खाली है। और वैसे पंडाल ओपनिंग हो गया है, और आप लोग अंदर का नज़ारा देख सकते हो कितना खूबसूरत है और कितना मस्त का डिजाइन बनाई गई है। और ये रहे हमारे माता रानी, माता रानी की जय हो। और बहुत ही खूबसूरत नज़र अंदर का डिजाइन भी दिखा रहे हैं आपको। अंदर का डिजाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर में गणेश जी बैठे हैं, और मेरे ख्याल से कार्तिक है, कार्तिक भगवान बैठे हैं, और ऊपर का कितना खूबसूरत डिजाइन और फूल वगैरह बनाई गई है और देखने लायक है। और इस साल बहुत ही भीड़ हो रहा है भाई, बहुत ही भीड़ हो रहा है। और पिछले साल तो बारिश हुआ था, इस बार बारिश नहीं हुआ, इसी के चलते मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रहा है। अभी आप जो पंडाल देख रहे हैं ये आदित्यपुर का एस टाइप का पंडाल है, बहुत ही खूबसूरत पंडाल है। अगर आप नहीं आए हैं एक बार आके देख के जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।